अब सर्दी, कोहरे और बर्फबारी की करेंगे, क्योंकि भारत से लेकर अमेरिका तक सर्दी की गिरफ्त में है। लेकिन बर्फबारी सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि कनाडा और जापान में भी हो रही है। उधर जॉर्डन के पेट्रा में भारी बारिश हुई है, तो काफी ज्यादा मौसम की मार देखने को मिल रही है अलग अलग जगहों पर। न्यूयॉर्क हो, बफलो हो, टेनेसी, हैम्बर्ग, बर्फ से ढके शहर और बारिश से बदहाल होती कई जगहों की तस्वीरें। जॉर्डन, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, ये तमाम वो देश जहां पर इस वक्त बर्फबारी से लोगों का हाल बेहाल। बर्फीले बवंडर के सामने अमेरिका का सरेंडर, सड़कों पर हर तरफ बर्फ का अंबार, बर्फीले टापू में तब्दील हो गए घर, कार से लेकर ट्रक तक सब कुछ फ्रीज, जम गए झरने, रनवे पर बिछी सफेद चादर, बर्फ बन गया बहते झरने का पानी। आर्कटिक महासागर से उठी हवाओं के कारण जो साइक्लोन ब्लास्ट हुआ उसने पूरे अमेरिका को दहला कर रख दिया है। अमेरिका की 60% आबादी बर्फीले बवंडर की चपेट में है। कई शहरों में अब भी बर्फबारी हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। अकेले न्यूयॉर्क में मरने वालों का आंकड़ा 28 तक पहुंच गया है। शहर के कुछ हिस्सों में बर्फबारी जारी है और 9 इंच तक बर्फ गिरने की आशंका जताई गई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क और बफेलो शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां पर चारों तरफ बर्फ उड़ रही है। बर्फीली हवा से माहौल खतरनाक है, रेस्क्यू ऑपरेशन में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो को बनाने वाले अमेरिकी पत्रकार ने कहा कि बर्फीला तूफान बेहद खतरनाक और जानलेवा है। बफेलो की तरह न्यूयॉर्क भी सदी के सबसे खतरनाक बर्फीले तूफान की चपेट में है, जहां पर बर्फीले तूफान की आवाज किसी के दिल में खौफ भर सकती है। न्यूयॉर्क के बफेलो शहर में मौसम अक्सर खराब रहता है, लेकिन इस बार हालात दूसरे हैं। इस शहर में जो हो रहा है वो इतिहास में दर्ज हो रहा है, क्योंकि बफेलो शहर में लोग अपनी गाड़ी, घर और बर्फ के ढेर में मरे हुए पाए जा रहे हैं। अमेरिका में बर्फीला तूफान दुश्मन की तरह घात लगाकर हमला करता है, जिससे बचने का किसी को वक्त ही नहीं मिल पाता। इसलिए कई गाड़ियां बर्फीले तूफान में फंस गईं और उसके अंदर लोग घंटों फंसे रहे और कई लोग मारे भी गए। ये देखिए, बफेलो शहर की सड़कों पर एसयूवी के टायर बर्फ में दब गए। आम लोगों की छोड़िए, बचाव और राहत दल की इमरजेंसी गाड़ियां तक बर्फीले तूफान में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही। अमेरिका में इस बर्फीली तबाही की शुरुआत 23 दिसंबर शाम से हुई। पिछले शुक्रवार की शाम से बर्फबारी शुरू हुई और देखते ही देखते बफेलो एयरपोर्ट के पास 50 इंच मोटी बर्फ जमा हो गई। बफेलो में एसयूवी की लंबाई तक बर्फ पड़ रही है। इस बर्फीले तूफान में न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जहां पर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालात बिगड़ते देख अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क में इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया है। न्यूयॉर्क प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती बर्फ में दबी गाड़ियों में से शव निकालने की है। बर्फीले तूफान की चपेट में आने वाली इन गाड़ियों में से अब भी शव निकाले जा रहे हैं, कई लोग लापता हैं। शहर की सड़कों पर 40 इंच से ज्यादा की बर्फ अब भी जमा है। इसे हटाने के लिए स्थानीय लोगों के अलावा प्रशासन भी जुटा है, लेकिन देखिए किस तरह से घर के बाहर बर्फ की मोटी परत जमा है, पूरा घर इससे कवर है। इस तरह की तस्वीर आपको पूरे शहर में देखने को मिल जाएगी। अब बफेलो शहर की ये ड्रोन से ली गई तस्वीर देखिए, इसमें भी आपको सड़क पर बर्फ में दबी गाड़ियां ही देखने को मिलेंगी। बर्फीले तूफान आने के 4 दिन बाद भी लोग सामान्य सफर करने की स्थिति में नहीं है। गाड़ियों को लोग धक्का लगाकर आगे बढ़ाते हुए देखे जा सकते हैं। अब ये तस्वीर देखिए, क्या कोई कह सकता है कि ये एक मशहूर रेस्टोरेंट है?
हिमबर्ग के इस रेस्टोरों का नाम है होक्स, जो बर्फ के महल में तब्दील हो गया है। अमेरिका में आए बर्फीले तूफान की ये सबसे मशहूर तस्वीर है जो वहाँ के हालात बयां कर रही है। ये टेनेसी शहर के एक झरने की तस्वीर है जिसमें पानी जहाँ गिर रहा था वहीं जमा रह गया। जिन इलाकों में घरों की बिजली ठप है वहाँ लोग अपने जनरेटर सेट से बिजली का इंतजाम कर रहे हैं। गगनचुंबी इमारतों के लिए मशहूर न्यूयॉर्क शहर कुदरत के आगे बेबस और लाचार नजर आ रहा है। बर्फीले तूफान ने अमेरिका में 60 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। इनमें से ज्यादातर लोगों की मौत तूफान के बीच गाड़ियों में फंसने के दौरान हुई है। यही वजह है कि न्यूयॉर्क स्टेट में हादसों से बचने के लिए अब भी ड्राइविंग पर बैन है। लोगों को चेतावनी दी गई है कि वो बाहर ना निकलें। आज तक ब्यूरो।